नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम दीपक कुमार है। सर कहाँ से हैं आप? इंदौर एमपी से आए सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19/9/2016 में ली थी सर रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर जी हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो हिंदू धर्म परंपरा में साधना होती थी वही करते थे और हनुमान जी का व्रत विशेष किया करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी ये कारण बना कि हम इन भगवानों की भक्ति करते करते हमारी मम्मी जी को भूत प्रेत की बाधा, मेरे को भी थी भूत प्रेत की बाधा, मेरी बहन संत रामपाल जी महाराज की शिष्या हैं वो भी उनको भी थी भूत प्रेत की बाधा, और मतलब मम्मी को पेट में जलन होती थी 2-3 साल से, और मम्मी जी को टीबी की शिकायत भी आने लगी थी, और इससे क्या कहते हैं मम्मी जी को पेट में जलन होती थी और रात रात भर नींद नहीं आती थी और मेरे पेट में भी लैटरिंग सूख जाती थी। इन भगवानों की भक्ति करते करते हमारे जसवंत मामा जी हैं उनने बताया था कि हम ऐसे परेशान थे तो उन्होंने बताया था हमारे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, उनकी भक्ति करोगे, पूर्व परमात्मा कबीर देव की भक्ति बताते हैं वो, तो आप ठीक हो जाओगे। मेरे मामा जी के कहने से इंदौर में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी मम्मी जी को रात रात भर नींद नहीं आती थी और हाथ पैर टूटे रहते थे, दर्द होता था और सिर दर्द होता था, मम्मी जी के दांत दर्द करते थे, वो रात रात भर रोती थी तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था तो ही ठीक नहीं होती थी, वो 2-4 दिन को ठीक होती थी। और जब से संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेके भक्ति करी है उनने तो आज ना कोई उनके दांत दर्द करते हैं, कुछ भी दर्द नहीं होता, आज सही साट हैं। और उनको टीबी की भी शिकायत बताई थी बिना में दीवान डॉक्टर उनने बताया था कि आपको टीबी की शिकायत है और पेट में जलन थी उनके लिए, इस तरीके से बताया था सर जी। और आज संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रही हैं, आज वो सही साट है, कोई शिकायत नहीं है उनको। मेरे को पेट में लैटरिंग सूख जाती थी मेरे और जलन होती थी मेरे पेट में, जैसे धूप निकलती थी 12-1 बजे तो मेरे को लैटरिंग जाना ही पड़ता था, नहीं जैसे अपन जल जाते कोई चाय वगैरह गर्म पानी जल जाते ऐसा मेरे पेट में होता था सर जी। और जो इसका मैंने अरविंद हॉस्पिटल में ही बताया था तो मेरे को कम से कम 8 और 10 डॉक्टर घेर के बैठते थे, वो बोलते थे ये 16-17 साल का लड़का है अब पता नहीं क्या क्या बीमारी बता रहा है, और उन्होंने बोला था आप 10-15 दिन गोली ले जाओ फिर हमको बाद में चेकअप पर आना, तो इस तरीके से हमने वो खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला था हमको। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से हमको ये लाभ मिला, ना तो आज कोई मेरे को बीमारी है ना मेरी मम्मी जी को है, और मेरी संत रामपाल जी महाराज जी की बहन शिष्या हैं उनको भी रात को दौड़े पड़ जाते 12-1 बजे, बहन जी रात को 12-1 बजे दौड़ के भाग जाती थी वो घर से तो मम्मी पूछती थी कहाँ जा रही, तो फिर बाद में बोलती मेरे कोई पता नहीं है। तो हमने इसके बारे में विषय तांत्रिक बाबाओं को भी बताया तो इन्होंने 2-4-10 दिन को ठीक कर देते, बाकी जिंकी थी हो जाती थी मेरी बहन जी। ऐसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इनको पता नहीं क्या बीमारी है, वैसे बता देते सर जी। और संत रामपाल जी महाराज की जब से भक्ति करी है उनने ना तो कोई आज भूत प्रेत की बाधा है, ना कोई दौड़े पड़ते हैं, वो भी सही साठ रहती है, हम भी सही साठ रहते, हम परिवार अब सही साठ रहते, सुख शांति से हैं। हमारे छोटे भाई अभिषेक हैं उनके लिए MBI हॉस्पिटल है इंदौर में, उधर हम गए थे तो उनको पथरी की शिकायत बताई थी, छोटी पथरी बताई थी पेट में, बोला था इसका कोई इलाज होगा, बड़ा ट्रीटमेंट होगा, तो हमने बोला इतने पैसे तुम्हारे पास है नहीं, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ प्रार्थना लगाई थी परमात्मा ऐसे ऐसे मैं छोटे भाई को पथरी बताई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला मर्यादा में रह के भक्ति करो बेटा सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा, तो 2-4-10 दिन बाद चेक कराया तो कोई पथरी नहीं थी समा छोटे भाई के अंदर। मेरे छोटे भाई को ना कोई ऑपरेशन कराना पड़ा ना कुछ, आज संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से बिल्कुल सुख शांति से जी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ना कोई दिक्कत है उनके लिए सर जी। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर जी हमारे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने हमको इतने सुख दिए हैं, संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं पूर्व परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति है, इससे बेटा तुमको सुख तो मिलेगा ही मिलेगा यहाँ का सांसारिक जो सुख है, और तुम्हें मनुष्य जीवन तुम्हारा सफल हो जाए जिसलिए तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है। और भगत समाज को यही संदेश देना चाहता है दास कि संत रामपाल जी महाराज पूर्व परमात्मा कबीर परमेश्वर के अवतार आ चुके इस पृथ्वी पर जो शास्त्रों के आधार पर भक्ति बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा कबीर देव ने बताया है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, कबीर परमेश्वर कहते हैं कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है ये मिले ना बारम्बार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे ये बोर न लगता डार। तो सही भगत आत्मा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने शास्त्र सभी धर्मों के खोलें, जो सर जी हिंदू हैं वो अपनी श्री भगवद गीता जी को खोल कर देखें, जो ईसाई हैं अपनी बाइबल को खोल कर देखें,
जो सिख भाई हैं वो अपनी गुरु ग्रंथ साहिब को खोलें, जो मुस्लिम भाई हैं वो अपनी कुरान शरीफ को खोल के देखें। उसमें संत रामपाल जी महाराज पढ़ पढ़ के दिखाते हैं कि बेटा तुम मिलाओ अपने शास्त्रों में, ये रहस्य छुपा है। संत रामपाल जी महाराज रोज टीवी पर दिखाते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, पहले आप इस ज्ञान को समझो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन कल्याण करवाएं। सर जी, सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, जो नीचे पट्टी चल रही है टीवी चैनल के नीचे, इस पे नंबर दिए हैं सतलोक आश्रम बरवाला के, उन पे संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। आपके हर जिले में नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सत साहिब।